मल्टीवर्स, टाइम एंड स्पेस ट्रैवल और अल्टरनेट डायमेंशन जैसे शब्द हो सकता है कि कुछ लोगों को नए लग रहे हों, पर रिक एंड मॉर्टी के फैंस इन शब्दों से 2013 से वाकिफ हैं, जहां पर ये शो अपनी वियर्ड येट वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स और अपनी कॉमेडी की वजह से बहुत ही कम समय में ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिटकॉम बन चुका है और अपनी एक बेहतरीन कल्ट फॉलोइंग बना चुका है, जिसका हिस्सा एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने हमें कमेंट्स में कई बार इस वीडियो को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग ऑसम द रिक एंड मॉर्टी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है कि कैसे, किसे और क्यों आईडिया आया था रिक एंड मॉर्टी सीरीज का। जानेंगे रिक के डकार लेने की पीछे की कहानी, रिक के कैच फ्रेज आखिर मतलब क्या है, ये शो एक्चुअली किस किस यूनिवर्स को शेयर करता है, इस शो को बनाने में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और फाइनली जानेंगे इसके क्रिटिकल और वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहा है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रिक एंड मॉर्टी को एक्चुअली क्रिएट किया था जस्टिन रॉयलैंड और डैन हरमन ने, और यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात लॉस एंजलिस में होने वाले चैनल 101 नाम की एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में हुई थी, जहाँ पर बेसिकली अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स और क्रिएटर्स को शाउट आउट दिया जाता है, और ये बेसिकली अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स को सबके सामने लाने का एक प्लेटफॉर्म बनता है, जिसमें एक्चुअली डैन हरमन को जस्टिन रॉयलैंड का 2005 की बिल कॉस्बी की पैरोडी एनिमेटेड टीवी शो का ह्यूमर बहुत पसंद आया था। लेकिन रिक एंड मॉर्टी के कॉन्सेप्ट की असल शुरुआत तब हुई थी जब 2006 में जस्टिन रॉयलैंड को एक टीवी शो से निकाल दिया गया था, और वो बेसिकली यूनिवर्सल जैसे बड़े स्टूडियो को चिढ़ाने के लिए उनकी फेमस मूवी फ्रेंचाइजी बैक टू द फ्यूचर की पैरोडी लेकर आए, जिसमें उन्होंने मार्टी मैकफ्लाई और डॉग ब्राउन का एक बहुत ही वल्गर एनिमेटेड शॉर्ट इस इवेंट के अंदर शोकेस किया था। वहीं पर दूसरी ओर जब 2012 में डैन हरमन को भी ब्रीफली कम्युनिटी सीरीज के शोरनर के पोस्ट से हटा दिया गया था, तब उन्होंने यहाँ पर जस्टिन रॉयलैंड से अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की और किसी भी प्रकार के लॉसूट से बचने के लिए इन कैरेक्टर्स को रीडिफाइन करके एडल्ट स्विम को पिच किया, और ऐसे रिक एंड मॉर्टी की शुरुआत हुई। एडल्ट स्विम ने इस शो को पिक तो कर लिया था, लेकिन ओरिजिनल यहाँ पर डैन हरमन और जस्टिन रॉयलैंड 11-11 मिनट के सेगमेंट्स की मिनी शॉर्ट एपिसोड्स इन दोनों कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एडल्ट स्विम को एक नए प्राइम टाइम शो की एक्सपेक्टेशन थी, जिसके कारण उन्होंने इन दोनों क्रिएटर्स को इसे हाफ एन आवर टीवी शो के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पुश किया था, जिसके कारण ही इन दोनों क्रिएटर्स को इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन वाला रिलेशनशिप फॉर्म करना पड़ा था। साथ ही साथ इनकी कहानी और अच्छे से इलैबोरेट हो पाए, इसके कारण ही इनके पूरे के पूरे फैमिली का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया, जहां पर एक्चुअली पायलट एपिसोड को यहां पर दोनों के दोनों क्रिएटर्स ने एक बार में तकरीबन 6 घंटे के टाइम के अंदर अंदर पूरे के पूरे पायलट एपिसोड को लिखा। सीरीज के अंदर रिक और मॉर्टी का फनी डायनेमिक उनके अलग अलग पर्सनालिटीज की वजह से ही दिख पाता है, लेकिन शायद हो सकता है कि आप ये बात नहीं जानते होंगे कि दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है, और वो ये है कि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स को एक ही वॉइस एक्टर यानी सीरीज के को क्रिएटर जस्टिन रॉयलैंड ही वॉइस देते हैं, क्योंकि वो एक एनिमेटर के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन वॉइस एक्टर भी हैं, जिन्होंने रिक एंड मॉर्टी सीरीज से पहले भी न्यूमरस एनिमेटेड टीवी शोज और प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज दी है। सीरीज के अंदर रिक की बोलते बोलते डकार लेने की आदत एक्चुअली एक एक्सीडेंट की वजह से आई थी, जहां पर एक्चुअली जब जस्टिन रॉयलैंड अपनी एनिमेटेड पैरोडी डॉक एंड मार्थी को वॉइस दे रहे थे, तभी उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक से डकार ली थी, जो उन्हें बहुत फनी लगा था, और इसका इस्तेमाल उन्होंने पूरे के पूरे एनिमेटेड शॉट में किया था, और इसी ट्रीट को इस कैरेक्टर के अंदर भी लेकर आया गया, जहां पर बिहाइंड द सीन इस चीज को करने के लिए यहां पर जस्टिन रॉयलैंड एक लो कैलोरी बियर बॉटल और पानी की बॉटल को पीते रहते हैं, और एक्चुअली इसे करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वहीं पर अगर कंप्लीट एक्सीडेंट्स की बात आ ही रही है, तो रिक के आइकॉनिक कैच फ्रेज को आप कैसे भूल सकते हैं। एक्चुअली पहले यहाँ पर अमेरिकन स्लैपस्टिक कॉमेडियन ट्रायो थ्री स्टूजेस से इंस्पायर होकर ये कैच फ्रेज एक्चुअली कुछ इस प्रकार का होने वाला था, लेकिन जस्टिन रॉयलैंड जब रिकॉर्डिंग बूथ के अंदर गए तो वो एक्चुअली इस लाइन को भूल गए, और उन्होंने अपनी ओर से वबला डब डब रिकॉर्ड कर दिया, जिसे बाद में शो के अंदर कैनन कर दिया गया है, और इसे बेसिकली बर्ड पर्सन की बर्ड लैंग्वेज का एक सेंटेंस बनाया गया है, जिसका मतलब है कि आई एम इन ग्रेट पेन प्लीज हेल्प मी, और ये चीज आपको गूगल भी वेरीफाई करा देगी, जहां पर अगर आप इस फ्रेज को गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसका मीनिंग सजेस्ट होगा।
साथ ही साथ अगर आप इस फ्रेज को गूगल असिस्टेंट से पूछेंगे तो आपको इन तीन रिस्पॉन्सेज में से कुछ एक देखने को मिलेगा। अगर आपने सीरीज को डाई हार्ड फॉलो किया है तो आपको सीजन 2 का एपिसोड 4 टोटल रिकॉल तो याद ही होगा, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंटेलिजेंट येट बहुत ही माइंड बेंडिंग और माइंड चिलिंग एपिसोड था, जिसमें बेसिकली मेमोरी इम्प्लांटेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। वेल, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आइडिया जस्टिन नोलन और डैन हार्मन को बफी द वैम्पायर स्लेयर टीवी शो से आया था, जहाँ पर फिफ्थ सीजन के अंदर बफी की सिस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पर शो के कैरेक्टर्स उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे कि वो उसे बहुत पहले से जानते हैं। इसी चीज ने इस जीनियस एपिसोड का इजाद किया। सीरीज के अंदर रिक के दामाद और मोटी के पिता जेरी स्मिथ का आर्क भी अपने आप में एक बहुत ही फनी आर्क है, और इस शो के अंदर यहाँ पर जेरी स्मिथ को अपनी वॉइस देते हैं क्रिस पार्नेल। लेकिन यहाँ पर उनसे पहले ब्रेकिंग बैड के अंदर लेजेंड हाइजनबर्ग / वॉल्टर व्हाइट का रोल प्ले करने वाले ब्रायन कैस्टन भी इस रोल के लिए ऑडिशन दे चुके हैं। रिक एंड मॉर्टी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और फन शो है, पर क्या ये यूनिक शो किसी और एनिमेटेड टीवी शो से यूनिवर्स शेयर करता है? वेल, बहुत सारे फैंस का मानना है कि उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज कई बार बैकग्राउंड में फ्यूचरामा के प्लेनेट एक्सप्रेस शिप को देखा है, जिसके कारण वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि ये शो फ्यूचरामा के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर इस शो के क्रिएटर्स ने ये बात माना है कि इस शो को उन्होंने द सिम्पसंस और फ्यूचरामा के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा था, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर फ्यूचरामा को बेसिकली ट्रिब्यूट देते हुए इस शिप को इंक्लूड किया था। इसके अलावा इस शो के डिज्नी के ग्रेविटी फॉल से भी जुड़ने के कई सारे सबूत सामने आ चुके हैं, जहाँ पर रिक एंड मॉर्टी के क्रिएटर जस्टिन रोलैंड और ग्रेविटी फॉल्स के क्रिएटर एलिस हर्श दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब शेयर्ड यूनिवर्स की बात हो गई तो चलिए बात करते हैं रिक एंड मॉर्टी के थीम सॉन्ग के बारे में, जो बेसिकली बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज और टीवी शोज का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिब्यूट भी है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटर्स ने डॉक्टर हु और फार्सकेप जैसे शोज का इंस्पिरेशन लिया था। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर विजर्ड्स ऑफ वेवली प्लेस के इंट्रो सॉन्ग के म्यूजिक कम्पोजर को भी हायर किया था और उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने इस थीम सॉन्ग को बनाया। वहीं पर अगर सॉन्ग्स की बात हो गई तो यहाँ पर गेट स्विफ्टी की बात कैसे नहीं होगी। वेल, हो सकता है कि आपको ये बात बिलीव करने में मुश्किल हो, लेकिन ये गाना भी बहुत पुराना है, जहाँ पर जस्टिन रोलैंड ने बचपन में इस गाने को लिखा था। बात करें अगर इस शो के अंदर सेलिब्रिटी कैमियोज की, तो वो भी इस सीरीज के अंदर में बहुत सारे देखने को मिले थे, जिसमें नेथन फिलियन, सुजन सरैंडन, डैनी ट्रेहो, टाइका वटीटी और जेफरी राइट जैसे एक्टर्स तो थे ही, लेकिन यहाँ पर इलन मस्क का भी कैमियो देखने को मिला था, जो बेसिकली अपने अल्टरनेट वेरिएंट इलन टस्क को प्ले कर रहे थे। इस सीरीज के एनिमेशन के आप में से बहुत सारे लोग फैन होंगे, और अगर आप ये बात जानना ही चाहते हैं कि इस सीरीज को कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली मेजरली तीन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है टून बूम हार्मनी, जिसमें मेजरली रिगिंग और एनिमेशन की जाती है। साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड आर्ट को हैंडल किया जाता है एडोब फोटोशॉप से, और उसी के अंदर पूरे के पूरे बैकग्राउंड को डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के टचअप्स को एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की मदद से हैंडल किया जाता है। अब जैसा कि हर एक प्रोडक्शन कंपनी अपने शोज को प्रमोट करने का अलग अलग तरीका ढूंढती रहती है, एडल्ट स्विम ने एक बहुत ही अलग तरीके से 2017 में अपने सीजन 3 के प्रीमियर को प्रमोट किया था, जहां पर उन्होंने अपने पायलट एपिसोड को 15 सेकंड के 109 वीडियोस में डिवाइड किया था और इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, और पूरी की पूरी कहानी जानने के लिए फैंस को पूरा का पूरा पेज स्क्रॉल करना पड़ा था, जिसके कारण ही एडल्ट स्विम को इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एंगेजमेंट मिली। इसके अलावा अगर बात करें इसकी क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो ये शो अपने लिमिटेड सीजन्स के होने के बावजूद भी एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना और एक कल्ट फेवरेट बन चुका है, जिसकी रेटिंग अब तक आए कई सारे एनिमेटेड सिटकॉम से कहीं ज्यादा है, और इसे 2018 और 2020 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग एनिमेटेड प्रोग्राम दिया जा चुका है। साथ ही साथ 2018 में ही इसे क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड का बेस्ट एनिमेटेड सीरीज का अवार्ड मिल चुका है, और यहाँ पर IGN ने 2015 और 2017 में इसे बेस्ट एनिमेटेड सीरीज और 2017 में बेस्ट कॉमेडिक टीवी परफॉर्मेंस का अवार्ड जस्टिन रोलैंड को दिया था। बात करें अगर इसके यूनिवर्स की, तो ये टेलीविजन शो के साथ साथ कॉमिक बुक, वीडियो गेम्स, टेबल टॉप गेम्स, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स, क्लेमेशन शॉर्ट फिल्म्स और स्पेस जैम अ न्यू लेगेसी में भी अपना कैमियो दे चुके हैं। वहीं पर अगर बात करें इसके फ्यूचर की, तो एडल्ट स्विम एक्चुअली इसके फ्यूचर को बहुत औसम तरीके से प्लान कर रहा है,
जहां पर बेसिकली एक रिक एंड मॉर्टी का फीचर फिल्म भी डेवलप किया जा रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली एनिमेटेड फॉर्मेट में ही होगा, लेकिन अभी स्टूडियो को क्लियर नहीं है कि वो इसे कब लाना चाहेंगे। इसके अलावा इसकी अपनी खुद की स्पिन ऑफ सीरीज भी आ सकती है जो द विंडिकेटर्स पर फोकस करेगी और उसे इसी साल रिलीज किया जाना है। साथ ही साथ इसके एनिमे शॉर्ट फिल्म्स का भी एक पूरा का पूरा स्पिन ऑफ सीरीज भी लॉन्च किया जाएगा जिसे टाकेशी सानो डायरेक्ट करेंगे। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग ऑसम द रिक एंड मॉर्टी सीरीज फैक्ट्स। ये शो मेरा फेवरेट एनिमेटेड सिटकॉम शो है जिसे मैं बहुत लंबे समय से बनाने की प्लानिंग कर रहा था और फाइनली ये वीडियो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप और कौन कौन सी बातें जानते हैं इस सिटकॉम सीरीज के बारे में। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।